माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है हमारा भारत। घरेलू उत्पाद हो या हो फिर निर्यात, उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राथमिकता पर हमेशा रहा है उनका विशेष जोर। स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, इन सभी राष्ट्रीय नीतियों से देश में लगातार नौकरियों और रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। और अब इसी कड़ी में एक और नई पहल, 10 लाख सरकारी पदों को त्वरित गति से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से भरने का लिया गया है निर्णय, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे युवा शक्ति की ऊर्जा और सामर्थ्य पर अटूट विश्वास को दर्शाता है। आजादी के 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच के ये 25 साल भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है और आप वो लोग हैं जो इन 25 वर्षों में सबसे अहम प्रशासनिक व्यवस्थाओं का हिस्सा होंगे। देश ने लिया है एक नया संकल्प और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की यात्रा में आप जुड़ रहे हैं। हमारे युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन, ग्रामीण, आकांक्षी जिलों में रहने वाले हमारे साथी अगले एक वर्ष तक हर महीने 75,000 से भी ज्यादा सरकारी पद भरे जा रहे हैं। एक आर्थिक और सामाजिक क्रांति का सूत्रपात हुआ है और पनप रहा है हमारी युवा पीढ़ी में नया जोश, नई आशाएं और नया आत्मविश्वास। सरकारी विभागों में अगले एक साल में 10 लाख नई भर्तियां होंगी और पहले 75,000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। चयनित उम्मीदवार अब भाग लेंगे देश निर्माण में, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी या अन्य सरकारी रिक्रूटमेंट्स, सभी ने नियुक्तियों की समयबद्ध प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयनित उम्मीदवार बनेंगे इंडिया एक्ट 2047 के सशक्त साझेदार। जब 10 लाख युवा कर्मयोगी केंद्र सरकार में अपना कार्यभार संभालेंगे तो देश की सरकार होगी सशक्त, बढ़ेगी कुशलता, नागरिक सेवाओं में आएगी सुगमता और देश विकास के पथ पर चलेगा और भी तेज रफ्तार से। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस रोजगार मेले का कर रहे हैं शुभ आरंभ।